हम मनुष्य लोग अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण क्रियाएं करते हैं वो है ईश्वर की पूजा। ईश्वर को देखे हों या न देखे हों, बचपन से सुनते हैं, धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं और अपने आप में ऐसा भाव आता है कि कोई हमसे अधिक शक्तिशाली है, तो हम पाते हैं कि ये मनुष्य हमसे अधिक शक्ति रखता है। फिर ये भी आता है कि इससे भी कोई अधिक शक्तिशाली है। सभी जब मानों को देखे तो पता चला कोई गोल्ड मेडल लाया ओलंपिक में, फिर ध्यान दीजिए उससे अधिक शक्तिशाली जानवर हैं, और ध्यान दीजिए उससे अधिक शक्तिशाली पत्थर हैं, पहाड़ हैं। तो ये मन में आता है, ये विचार जाता है कि सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, कोई है जरूर, ऐसी कोई शक्ति है जो सबको शक्ति दे रही है। तो वहीं से भगवान के बारे में, परब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में विचार आता है। तो सभी मानो उस तत्व की पूजा करते हैं जिसकी शक्ति सबसे अधिक और जो सबको शक्ति दे रहा है। पूजा करने की पद्धतियाँ अलग अलग, क्रिया योग ध्यान जो कर रहे हैं ये परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा और पूर्ण वैज्ञानिक, ऐसे और तरह तरह की पूजा पद्धतियाँ हैं और रिचुअल्स, मूर्ति पूजा। हम काल्पनिक बना लेते हैं कि गणेश हैं, कृष्ण भगवान हैं, राम हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, काली दुर्गा हैं, ये सब बना करके पूजा करते हैं। इनका जो चित्र हम बनाते हैं ये कल्पना से बनाते हैं और उस पर देखिए कितनी पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा, आप मंदिरों में जाइए, लोग बड़े भक्ति के साथ भाव विभोर होकर के पूजा करते हैं। तो ये जो पूजा मंदिरों में होती है कीर्तन के साथ, भजन के साथ, ढोलक के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ, अगर ये पूजाएं बंद हो गई होती और ये न होती भारत में, तो जो इतनी आबादी आपस में मिलकर के रहती है ये रह न पाती। क्योंकि अगर हम किसी की पूजा करेंगे, ऐसा कोई है जो सबको शक्ति देता है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि प्रत्येक मनुष्य में जो शक्ति है उसी के द्वारा दी हुई है। तो ये भी हम मानने लगते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो है, उसको पता है किसको क्या शक्ति दे। ये भाव आने पर हम उत्पात कम करते हैं और जिस देश में, जिस सभ्यता में, जिन लोगों में ये भाव नहीं है वापस में मार देते हैं। जहाँ पर ये नहीं मानते हैं कि सबके अंदर भगवान है या अल्लाह है, खुदा है, वहाँ पर आपस में मारने में उनको कोई भी दर्द नहीं होता है। जो मानते हैं कि भगवान कहीं है वो आप में नहीं हो सकते हैं। भारतवर्ष में पूजा की उच्चतम विधि क्रियायोग ध्यान में, इसमें यही मान लिया जाता है कि परमात्मा ही है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। वही प्रत्येक मानव के रूप में है, वही जीव जंतु, पेड़ पौधे, अणुपरमाणु, दृश्य जगत, अदृश्य जगत, सब के रूप में वही है। ये पूरी तरह से ये माना जाता है। याद रखिए, ऐसे मानने की वजह से ही भारतवर्ष में इतनी आबादी एक साथ, कितनी भाषाएं, कितने रीति रिवाज। अपने देश में ये नियम था
कि जो माता पिता हैं इनको भगवान ही माना जाता था, तुमेव मातश्च पिता, भगवान ही इस रूप में है, तुमेव बंधुश्च सखा, वही बंधु और सखा के रूप में है, सब रूपों में वही है यह माना जाता था। इसीलिए इतनी बड़ी आबादी इतनी विविधता के साथ हम रह लिए और रह रहे हैं। जब हम माता पिता से दूरी बढ़ने लगी, हम उनका अनादर करने लगे, ईश्वर के रूप में माता पिता है नहीं माने, और माता पिता बच्चों को नहीं माने, पति पत्नी भाई बंधु एक दूसरे को ये मानना बंद कर दिए कि ईश्वर इस रूप में है, तो फिर वो जो भक्ति करने की विधि थी, हम किसी को माने और प्रेम करें ये जो विधि थी, ये लुप्त हो जाती। इसके लुप्त होने पर बहुत ही बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, भीषण लड़ाइयाँ, मारकाट होती है। इसलिए मूर्त पूजा शुरू हुई। अगर हम किसी को नहीं मानते हैं तो हम पत्थर को ही मान करके चले। हाँ, भगवान सब रूपों में है, इसमें कोई शंका नहीं, वही पहाड़ हो गए, नदी हो गए, जिस पहाड़ से पत्थर को लेकर के मूर्ति बनाए तो भगवान मूर्ति के रूप में भी हैं। तो मूर्ति में अलग अलग भाव की मूर्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश काली दुर्गा, ये सब बनाने लगे। तो याद रखिए, जितने तरह की विविध मूर्तियाँ अलग अलग विचारों की वजह से हैं कि हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान ऐसे, तो इस तरह से अनेक विचार वाले साथ रहते हैं। हम काली की पूजा करते हैं, कोई दुर्गा की, कोई हनुमान जी की, कोई इनकी, कोई उनकी, और हम साथ रहते हैं। इस तरह से ये जो मूर्ति पूजा शुरू हुई, इसीलिए शुरू हुई कि हम आपस में एक दूसरे को मानना बंद कर दिए। तो अगर ये मूर्ति पूजा बंद हो जाती तो हमारे अंदर प्रेम करने की जो एक विधि है हम उसका अभ्यास नहीं कर पाते। तो हम किसी को नहीं प्रेम कर पाए तो मूर्ति को कर रहे हैं, नदी को कर रहे हैं, पहाड़ को कर रहे हैं। ऐसे अभ्यास करते करते अपने देश में सदाचार हुआ। कितनी विविधता, कितने विचार, कितनी भाषाएं, हम साथ रहे। लेकिन अब द्वापर युग लग गया है, आरोही द्वापर युग। अब हम समझदार हो गए हैं। जब हम क्रियायोग का अभ्यास करते हैं फिर हम धीरे धीरे उसी तरफ आने लगते हैं। परमात्मा सभी रूपों में है, तो सबसे पहले जो मानव के रूप में है हम इनकी आराधना करें, और इनके साथ फिर हम जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, समुद्र, ये सब आते हैं। धीरे धीरे हम उसी दिशा में जा रहे हैं। परमात्मा सभी रूपों में है, इसलिए जो मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ गौतम बुद्ध के जाने के 500 वर्ष के बाद, मूर्ति पूजा तेजी से बढ़ने लगी। इसीलिए कि गौतम बुद्ध की जो शिक्षा थी कि हम सब मिलकर के रहें, आपस में झगड़ा न करें, ये शिक्षा समाप्त होने लगी। ये लोग भूलने लगे तो बहुत ही मारकाट होती, बहुत अव्यवस्था होती। इसलिए हम किसी को माने अवश्य, जैसे अगर हम हिंदी बोलना भूल जाए, बोले ही न कई वर्षों तक, तो भूल जाएंगे हम। लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदी हम बोले जरूर। कोई मानो नहीं मिलता तो हम पत्थर बैठा करके उसी से बोलना शुरू कर दें। तो हम हिंदी बोलना छोड़े नहीं, नहीं कोई मानो मिला पत्थर से हमने बात किया। इस तरह से हमको कोई मानो नहीं मिला जो आदर्श हो, जो पूज्य हो, तो हम मूर्ति की ही पूजा करने लगे। अगर पूजा पद्धति न होती तो भारत में बहुत ही अंधकार होता, बहुत ही मारकाट होती। अपने देश में जो तरह तरह की पूजा पद्धतियां हैं ये सब आवश्यक है।
हम किसी का भी विरोध न करें, क्रिया योग करते जाएं और आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे जिसकी पूजा कर रहे हों उसके साथ क्रिया योग करिए, चाहे निराकार पूजा कर रहे हो साकार कर रहे हो, साथ में क्रिया योग का अभ्यास करें, तो आपको समझ में आएगा कि जो पूजा कर रहे हैं है क्या वो। फिर आप उच्चतम पूजा करने लगेंगे, जिसको महर्षि पतंजलि ने किया था, आदि शंकराचार्य ने किया था, विश्वामित्र ने किया था, वशिष्ठ मुनि ने किया था, जिसकी पूजा इस युग में शुरू किया लहरी महर्षि ने, जिसका विस्तार से प्रचार अमेरिका में हुआ क्रिया योग के द्वारा। किस तरह से क्रिया योग का अभ्यास करते करते हम पाएंगे कि हमारे जीवन की दिशा उसी तरफ बढ़ रही है जो उच्चतम मार्ग है, और उसको एक ही जन्म में पा जाएंगे, ये बहुत आवश्यक है।